फिर 1.2 किसका आई पी आई, विंडोज 7.2 का आई पी आई। ये तो समझ में आ रहा है सबको, लैब को समझ लो पहले, पहले लैब को समझना जरूरी है, उसके बाद ये समझ में आ गया। तो 192.168.1.2 हो गया, ये विंडोज 7 का 7.2 का आई पी। और विंडोज 7.2 का साथ में सपोज उसका जो हम लोगों ने किया था ना रिमोट डेस्कटॉप, तुम लोगों ने किया था रिमोट डेस्कटॉप, किया था कि नहीं? हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द रिमोट डेस्कटॉप। और रिमोट डेस्कटॉप एक तरह का सर्विस है, और इसका भी अपना एक पोर्ट होता है, और वो पोर्ट हो गया 3389। हर सर्विस का एगेंस्ट में एक पोर्ट होता है, जैसे वेब सर्विस का एगेंस्ट में 80। तो रिमोट डेस्कटॉप भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, और उसका भी एक सर्विस, वो भी एक सर्विस है, उसका एगेंस्ट में एक नंबर होता है, पोर्ट नंबर, दैट इज 3389। ठीक है, मैं दे दूंगा तुम लोगों को किसका क्या पोर्ट नंबर होता है। तो अभी देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 192.168.1.2 पीसी का वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, वो जो सर्विस है वो ओपन है कि ब्लॉक है, मुझे चेक करना है वो पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट नंबर क्या है 3389। मैं स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर लिया है दोनों, देखो स्कैन करते ही क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखना अभी आएगा क्या दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है। पोर्ट स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्लोज, पोर्ट नंबर 3389 स्टेटस क्लोज, मतलब 192.168 के साथ मैं रिमोट डेस्कटॉप कर नहीं पाऊंगा, उसने अपना पोर्ट, उस वाला वो जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस का जो पोर्ट है वो क्लोज करके रख दिया। अभी मैं अगर रिमोट डेस्कटॉप करूंगा तो नहीं मिलेगा उसका डेस्कटॉप। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अभी विंडोज 7.2 में जाके वो पोर्ट को मैं ओपन करता हूँ, मतलब वो रिमोट डेस्कटॉप से अलाउ करता हूँ। तो उन्होंने सीखा था ये पहले कैसे अलाउ करना है इसको, यहाँ पे जाके ये देखो सिस्टम प्रॉपर्टीज रिमोट में जाके ये रिमोट डेस्कटॉप इसको अलाउ कर दो। ठीक है, ओके ये तो किया था तुम लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप में, किया था तुम लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप करना हो, एग्जांपल दे रहा हूँ पोर्ट का मेरे जस्ट। तो इसको मैंने अलाउ कर दिया रिमोट डेस्कटॉप को। ठीक है, अभी फिर से मैं इस पोर्ट को स्कैन करता हूँ उस विंडोज 7.1 से। मैंने क्या किया, विंडोज 7.2 में आके इसका जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है रिमोट डेस्कटॉप को मैंने क्या कर दिया, इसका जो अपना रिमोट डेस्कटॉप का जो सर्विस उसको मैंने क्लोज कर दिया, मतलब पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। सर्विस क्लोज करने का मतलब क्या है, पोर्ट को ब्लॉक कर देना। ठीक है, अभी मैं फिर से विंडोज 7.1 से इसी पोर्ट को और ब्लॉक नहीं किया, मैंने अभी क्या किया, ओपन अलाउ किया, मतलब ओपन किया। तो पहले तो ब्लॉक था, क्लोज दिखा रहा था, अभी मैं फिर से इसको स्कैन करता हूं तो देखना ये देखो अभी ओपन आ रहा है, उसको मैं अलाउ कर दिया था। ये 338 पोर्ट क्या है, स्टेटस ओपन, मतलब खुला हुआ है, अभी खुल दिया उसमें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या, हम लोगों ने क्या किया, विंडोज 7.1 से 7.2 का जो पोर्ट है उसको स्कैन करके मालूम किया कि वो पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। तो ये मालूम करना जरूरी है हम लोग, अगर ओपन है तभी जाके उस पोर्ट से हम लोग कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं हैक करने के लिए, अगर क्लोज है तो उधर से अटेम्प्ट लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग दूसरा रास्ता अपना लेंगे। तो नॉर्मली वेब सर्वर अटैक के लिए सबसे पहले हम लोग को पोर्ट स्कैन करना जरूरी है, नॉट ओनली वेब सर्वर, किसी भी सिस्टम को अटैक करने से पहले उसका पोर्ट का भी स्कैन कर लो, चेक करो कोई भी पोर्ट ओपन है कि नहीं। मैंने तो सिर्फ एक ही पोर्ट स्कैन किया, तुम और भी पोर्ट इसका स्कैन करो, तुम उसका पोर्ट नंबर 80 स्कैन करो, उसका वेब पोर्ट, उसका पोर्ट नंबर 80 ओपन है कि देखो। तो जनरली पोर्ट नंबर 80 क्या रहता है, इसका क्लोज है, पोर्ट नंबर 80 देखा ना इसका क्लोज है, तो मतलब उस विंडोज 7.2 को तुम पोर्ट नंबर 80 से अभी अटैक नहीं कर पाओगे, पोर्ट नंबर 3389 से ट्राई कर सकते हो, उधर ओपन है, पूरा रास्ता ओपन है, वो दरवाजा खुला है। इसमें पोर्ट नंबर 80 होगा, इसमें होगा मतलब